बात है कि हम लोग थोड़ा सा और थोड़ा सा फोकस्ड होना चाहिए। फोकस्ड इन द सेंस हम लोग की एक एक लोग को किस इतिबार से क्या करना चाहिए। हमने तो समझो बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत फंडामेंटल थिंग्स मतलब उनके अंदर समझ में आ गया। बहुत सारे लोग अभी तक उनकी बेस अभी तक परफेक्ट नहीं है। तो वापस हम लोग ये बेस के तरफ जाएंगे, करते रहेंगे। मैं ये कहना चाह रहा है कि कोई भी, जैसे मैंने बताया, ये कॉस्मेटोलॉजी एक बड़ा सेक्शन है यूनानी में। कॉस्मेटोलॉजी है, गायनेकोलॉजी है, पेडियाट्रिक है, और जनरल मेडिसिन है, काउंसलिंग एंड साइकियाट्री है, और डायटिशियन का एक अच्छे बेहतरीन एक एक एक, एक नमूना बना के दे सकते हैं। कि मैं हमेशा कहते हैं कि डायटिशियन के लिए यूनानी से बेहतर दुनिया में कोई डायटिशियन नहीं बना बन सकते। मिजाज के इतिबार से, एज के इतिबार से, मौसम के इतिबार से, गजा के इतिबार से, कमियत के इतिबार से, कैफियत के इतिबार से, कौन क्या गजा खाना चाहिए, इतनी बेहतरीन डायटिशियन बन सकते हैं। क्योंकि आजकल दुनिया को इसी की जरूरत पड़ती है। अब जब देखते हैं कि सोशल मीडिया में जिसको भी जो भी आया है वो पटकते जाते हैं, बोलते जाते हैं ये खाओ, वो सब सुन सुन के हमारे कान पक चुके। तो अगर आपको, आपके कोई, जैसे खास तौर से लड़कियों में डायटिशियन बनने के लिए हमारे पास इतने उसूल और जवाबित है, तो मेरा कहने का मतलब, एक एक सेक्शन वाइज आपको इंटरेस्ट है, जैसे उस इसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते, इसमें ज्यादा ज्यादा गहराई तक जा सकते। लेकिन ये सब चीज जाने से पहले बार बार ये होना चाहिए कि हमारे तिब की फंडामेंटल, अभी बहुत सारे लेक्चर सीरीज चालू हो गया, तकरीबन मैं समझता हूँ पूरी पूरी दुनिया में इतनी ग्रुप, यानी कि इतनी यूनियन बोलो या इतनी ग्रुप, क्योंकि पहले यूनानी में इतना ग्रुप नहीं था। एक संहिता क्या बोलते हैं उसको, यूनियन था। जब से व्हाट्सएप आया था, एक एक व्हाट्सएप का एक एक यूनियन हो गए। मेरे 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 फोन में तकरीबन 90 डॉक्टर्स लोग का यूनियन है, यूनानी की। आयुर्वेद में नहीं मिलेंगे आपको, होम्योपैथी में नहीं मिलेंगे, एलोपैथी में कोई एक जगह पे इतना यूनियन नहीं मिलते। तो मैं ये कहना चाह रहा है कि हम लोग अपनी ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप में इस हिसाब से ग्रुप बनाओ कि हमको कौन सी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट, ज्यादातर ध्यान ध्यान रखना चाहिए, वो इतिबार से उस टॉपिक को ज्यादा हम लोग क्या करें उसको इंटरेस्ट रखिए। जैसे तीन चार लेक्चर सीरीज भी अगर रख दिया कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ताल्लुक से, फिर क्या होता है कि उसमें जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स है, जैसे जैसे डॉक्टर आफिया है, डॉक्टर रूही मैडम है बैंगलोर के, ऐसे कुछ लोग इसमें बहुत सारे अच्छे काम किया, तो उनको भी लेके आके हम इसमें लेक्चर सीरीज में रखें। लड़कियों के लिए हम लोग कोई भी ऐसे चीज स्टार्ट करना चाह रहे, जैसे कुछ लोग रेजिमेनल थेरेपी में ज्यादा ध्यान देना चाह रहे, कुछ लोग ये सब जो स्किन में ज्यादा ध्यान दे रहे, तो ये इसके साथ आप लोग को ये जरूरी है कि बार 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 अपनी फंडामेंटल को दोहराते जाए। इवन मैं समझता हूँ फल्कियात और इल्म नुजूम से लेके आज के दौर के हिसाब से एस्ट्रोफिजिक्स तक सीखने के लिए हमारे पास माता मौजूद है, फिलोसफी मौजूद है, खाली उसको आप उसको एक्सप्लॉइट करो, उसको आप मैक्सिमम दुनिया के सामने लाने की कोशिश करो। क्योंकि तिब अपनी जगह पे तबाबत का काम सब लोग करते जा रहे हैं, लेकिन इससे हटके भी एक एक चीज, जैसे कई मैगजीन में लिखना इसके ताल्लुक से, या कोई ऐसे प्रोग्राम में, फैमिली फंक्शन में जाके हेल्थ के ताल्लुक से, स्कूलों में कई फैमिली मीट में, ये अपनी एक अलग सिस्टम चलना चाहिए। जैसे अभी मेरा तबाबत चलता है, लेकिन मेरे तबाबत के साथ में कई ना कई महीने में एक या दो तीन लेक्चर्स में होते रहते। उसकी वजह ये कि हम लोग का थॉट प्रोसेस ये जंग नहीं पड़ते, हमारे उसके अंदर शार्पनेस होते रहते। तो लिखने की एक आदत डालो, जो अखबार हो, मैगजीन हो, क्योंकि ये सब जगह पे इनके पास मैटर्स नहीं है, उनके पास अल्फाज नहीं, उनके पास मादा नहीं है लिखने के लिए, कि सब लिख चुकी है। अभी हमारे पास यूनानी में इतनी इतनी सारी चीज पड़ा है लिखने के लिए, डिस्कस करने के लिए, आपको तकरीर सुनाने के लिए। ये चीज आप लोग, हम लोग अभी इसमें भी ग्रुप में, इसमें सबको हम ये कर सकते, समझा। अब वो अभी आपको ये करना है कि जो अभी इसमें मैं समझता हूँ ये न्यू ग्रुप, अपने ग्रुप के अंदर 40% लोग अभी भी अपने, एक क्या ना,
क्योंकि परफेक्ट किए बगैर वो कुछ कर नहीं सकते। तो बार बार मैं ये चाहना चाह रहा है कि एक दो महीने के अंदर वापस हम अपने यूनानी की फंडामेंटल प्रिंसिपल के तरफ वापस आए, उसमें थोड़ा डिस्कस करें, और ये डिस्कशन के तौर पे होना चाहिए, बहसो मुबाहिसा के तौर पे। ये नहीं कि हमको मोहतरम नाम रख दिया, मोहतरम उस्ताद आ गया, लेक्चर सुना रहा। सब लोग मोहतरम है, सब लोग उस्ताद है, सब अपने अपने दिमाग इस्तेमाल करके इसके बाद एक डिस्कशन शुरू करें, क्योंकि इसमें जहन किसको किधर से कब कैसे खुलता है किसी को ये नहीं मालूम। मेरा कहने का मतलब आज की टॉपिक के, मैंने एक जनरल टॉपिक बता रहा तुम लोगों की, पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है आज के टॉपिक की सिफारिश से। अगर आप वापस, अगर समझो वापस अपने सिस्टम के जरिए अगर सोचना चाह रहे, ये पांच छह आप लोग को, पांच छह इससे ज्यादा स्पेसिफाई कर सकते, कॉस्मेटोलॉजी से लेके आप डायटिशियन तक बन सकते, तो वो मुख्तलिफ इन फ्यूचर में हम लोग थोड़ा सा मुख्तलिफ गेस्ट लेक्चर्स को रखेंगे। उसमें मॉडर्न एस्पेक्ट क्या है, मॉडर्न एस्पेक्ट को यूनानी से कैसे जोड़ दिया जाए, क्योंकि हम लोग कैफियत से कैसे जोड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्किन में, जैसे अभी इसके बारे में बात किया बाल के ताल्लुक से, क्योंकि आजकल बाल बहुत जल्दी सफेद होता है, तो उसकी बहुत सारी वजूहत है। मैंने तो बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में और बहुत सारे लेक्चर सीरीज में बताया। हमारी नजरिया दुनिया सुनना चाहिए कि यूनानी क्या कह रहा है, यूनानी बाल के ताल्लुक से, तो वो नजरिए से ठीक करना चाहिए, रादर दैन हम लोग किसी को मतलब विटामिन टैबलेट देने के बजाय हम मरीज की जिगर का मैदे का इस्लाह करें, उसकी खाने पीने की उसकी क्वालिटी बढ़ाए, उसके अस्बाब सितजोरिया के ऊपर ध्यान रखें। इस इतबार से अगर हम बाल से लेके स्किन को लेके कोई भी सेक्टर हो, यानी कॉस्मेटोलॉजी एक ऐसी जगह नहीं जो यूनानी में, क्योंकि जैसे एक दौर था जैसे क्लियोपेट्रा जैसे एक दौर में, इजिप्ट के दौर में, ये आज की चीज नहीं है जो अपने आप को खूबसूरती को ध्यान रखने, क्योंकि हम लोग आजकल खूबसूरती के ऊपर ध्यान क्यों रख रहे हैं कि हम लोग पहले खाने पीने में बांधे थे, खाने पीने को नहीं मिलता था, अभी खाना पीना सब भरपूर आ गया, पैसा सरप्लस हो गया, पैसा सबके पास ज्यादा हो गया, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी अपनी खूबसूरती की तरफ ध्यान देने के लिए अपने पास टाइम भी है, अपने पास पैसा भी है। पहले एक दो वक्त की रोटी मिला तो काफी था, अभी रोटी हो गया, मकान हो गया, गाड़ी हो गया, अभी दुनिया के सामने अपना अच्छे खूबसूरत मतलब अपने आपको अच्छे पेश करना। हर आदिवासी भी ये चाह रहा है कि मैं मेरे स्किन अच्छे रहे, ये इन फ्यूचर इसमें यूनानी बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकते हैं, उसके रिजल्ट ओरिएंटेड बहुत सारे चीजें से, रादर देन अप्लाइंग में अप्लाई एप्लीकेशन के लिए भी बहुत सारे चीजें से। तो ये नहीं कि सरसरी तौर पे हमने कुछ रख दिया, बड़ा बोर्ड लगा दिया, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी मैं बन गया कॉस्मेटोलॉजी में। रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट यूनानी में बहुत सारे चीजें है, मुंजिज मुसिल की थेरेपी भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं ये जगह पे। तो एक प्रोटोकॉल, एक 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 स्ट्रेटजी बना सकते हैं आप, एक उस हिसाब से आप एक ट्रीटमेंट की रेजीम बना के दे सकते हैं, हमारे रेजीम ये है, तो मरीज भी उसमें ये हो जाते। तो ये जरूरी नहीं कि हम लोग अपनी सिर्फ तबाबत के अंदर इतनी सारी चीज आपको या हम लोग को यूनानी में, यूनानी के जरिए एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे चांसेस है। तो ये चीज को हम थोड़ा सा इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर के हिसाब से हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो हिसाब से हम बाद में इसको तफसील से जाएंगे। मैं आज के लेक्चर में ये आप लोग को वापस ये जोड़ना चाह रहा कि भाई तुम वापस जिसका फंडामेंटल सही नहीं है, जिसका फंडामेंटल सही नहीं है तो थोड़ा सा डिस्कस करें यूट्यूब की मेरा कुछ वीडियो से, प्रिंसिपल के ताल्लुक से, फंडामेंटल के ताल्लुक से, अगर वो अगर आ गया तो जो मैं आप लोग को लेक्चर लेंगे अगर मजीद, जैसे फॉर एग्जांपल डायटिशियन का लेक्चर ले रहे तो मैं बोलूंगा देखो भाई ये पेशेंट सफरावी है, उनको डाइट चार्ट क्या देना चाहिए, ये मरीज बलगमी है उसकी क्या डाइट चार्ट ऑर्डर है, उसकी अस्बाब सित्ता ज़रूरिया के हिसाब से उसकी पूरी हमने डीकोड किया, उसको डीकोड करने के बाद में वो बलगमी मरीज का बारकोड के हिसाब से, वो बारकोड के हिसाब से उसको क्या चाहिए नहीं क्या नहीं चाहिए, तो वो प्रिंट आउट करके उसको एक ब्लू प्रिंट करके निकाल के दे दिए, भाई ये है आप सफरावी है, ये है आपकी फूड की तौर तरीके अस्बाब सित्ता ज़रूरिया, 1000 रुपये ले लो तुम पेशेंट से, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि तुम उनकी कुंडली निकाले, उनकी कुंडली निकाल के दिया,
उसको क्या क्या खाना चाहिए, तो वो सब क्या है जो उसने ऑलरेडी पढ़ के रखी, उसकी बरखिलाफ रहेंगे ज्यादातर चीजें से। अक्सर मैंने देखा डॉक्टर बोलते स्किन के लिए अच्छा है, बोल के डेली 4 लीटर पानी पियो। डेली 4 लीटर पानी पीने से किडनी खराब हो सकते हैं, सिर्फ यूनानी कहते हैं हमेशा ज्यादा पानी पीना भी मना है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। सबको पानी अच्छा नहीं है, पानी सफरा भी को है जिसके बॉडी में ज्यादा हिद्दत और शिद्दत हो, उनको पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। जो ज्यादा चलता फिरता नहीं, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता है, जब देखो बिस्तर में पड़े रहते हैं बलगमी, उनको पानी ज्यादा डालने की जरूरत नहीं। जो झाड़ सब नदी के किनारे या कहीं ऐसी जगह पानी भरपूर हो जहां वापस फिर आप उसमें पानी डालेंगे झाड़ सड़ जाएंगे, या रेगिस्तान में हो जहाँ पानी नहीं मिलता वहां पानी डाला कर। ये सब हिकमत की बातें हैं, ये नहीं कि हमने कहीं से भी सीख के रखे, वो नेफ्रोलॉजिस्ट ने या वो यूरोलॉजिस्ट ने बोला खूब पानी पीने का, वो बड़े नेचुरोपैथी वाले बोला 5-5 10-10 लीटर पानी पीना चाहिए, इंसान के अंदर बॉडी में 1/3 पानी है तो पानी ज्यादा होना चाहिए, अपनी फिलोसफी रहते। तो ये सब चीज यूनानी में सब कैफियत के हिसाब से बात करते। तो मैं तो हम लोग को ये सब चीज करने से क्या होते, दिस पीपल आर मोर साइंटिफिकली लाइक मोर एलिजिबल, यानी कि दुनिया ये जानेंगे कि इन्हीं लोग ही है जो इंसान के बारे में कुछ कह सकते हैं, बाकी कोई लोग अपनी समझ नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा 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 मजाक में कहते हैं कि अक्सर आजकल जो तुम लोग या हम लोग जो लिखता है डॉक्टर लोग क्या लिखता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए लिखता है, बाबा ये MRI करके आओ। तो मैं मरीज से मजाक से पूछता ये MRI का पैसा कौन दिया, ये MRI और एक्सरे का पैसा एक्चुअली क्यों मरीज क्यों दे रहे भाई, ये MRI का पैसा एक्सरे का पैसा पैसा लैब इन्वेस्टिगेशन का पैसा एक्चुअल में कौन देना चाहिए, डॉक्टर देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर को अगर बीमारी समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टर ने जो जो पढ़ के वो सब समझ में आ रहा, उसको डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा, वो बोल रहा मैं मशीन के जरिए ये बीमारी का डायग्नोसिस करके देता हूँ, ये किसका कसूर है जो नहीं पढ़ा है, ये मरीज का थोड़ी कसूर है। तो मरीज क्यों खर्चा करे भाई, तुम्हारी नाकामी है, तुम्हारी लाजाहिलियत है, उस वजह से तुम क्या कर रहे, एक मशीन से बोल रहा मैं मशीन से पूछता हूँ इस आपका बीमारी क्या है। तो डॉक्टर को ये बोलना चाहिए भाई मेरा समझ में नहीं आ रहा, मैंने सब कुछ देख लिया, मैं एक MRI को लिख रहा हूँ लेकिन वो MRI का पैसा मैं खुद दूंगा, क्योंकि ये मेरी कमजोरी है या मेरी वीकनेस है, मेरी लापरवाही है, मेरी जहालत है, तो वो उसके लिए आप क्यों पैसा भरे। तो जितने भी इन्वेस्टिगेशन का पैसा बेसिकली कौन देना चाहिए, डॉक्टर देना चाहिए, मरीज नहीं, मरीज क्यों उसके पैसा भरे। तो दुनिया के सामने हम जब रियल बातें करेंगे, तकवे की बातें करेंगे, तो दुनिया समझेंगे भाई तिब हो, फिलोसफी हो, बदन इंसान हो, सुन ताल्लुक से डिस्कस करने के लिए ये लोग चाहिए, ये हमारे अंदर एक परफेक्शन होना चाहिए। तो मैं ये सब बार बार यही कहता है कि अपनी फंडामेंटल के तरफ वापस जाओ, एक एक चीज के ऊपर कम से कम इतना तो कोशिश करो कि हार और बारिश जिसम में क्या क्या असर करता, हार हरारतन बरूदत। आप मिजाज बाद में पढ़ो, मिजाज एक कॉम्प्लेक्सिटी है, वो मिजाज के अंदर एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती, क्योंकि मिली जुली कैफियत का नाम है मिजाज। तो मिजाज बाद में पढ़ो तो कंफ्यूजन हो जाएंगे कि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है वो। अब LKG UKG में रहो हमेशा जब तक वो कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, जब वो कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आप उसके तरफ आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे अभी हम लोग ABCD पढ़ता है, ABCD जब हम LKG में पढ़ते हैं तो अगर ABCD पूरा अगर गलती से पढ़े तो टीचर हमको मारता है। जब आप पूरी ABCD पढ़े जो पढ़े आप PhD होने के बाद, आपसे आप अगर ABCD लाइन से बोलना भी अगर आता भी नहीं तो भी आपको कोई कोई बोलता नहीं, नहीं आपने ए बोला फिर सी बोला फिर डी बोला, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। कि आप आजकल फिक्शन लिख रहे हैं, नॉवल लिख रहे हैं, आप पोएट्री लिख रहे हैं, बहुत बड़ा नॉवलिस्ट हो गए, आप राइटर हो गए, अब आपसे आके ये नहीं पूछेंगे आपको ABCD बराबर आता है क्या नहीं, क्योंकि उसी से तो आप बने उस जगह पे पहुंचे। तो टिप का भी वही नजरिया, आप एक बार फंडामेंटल पढ़ पढ़ के परफेक्ट होने के बाद में जब आप लिखना पढ़ना शुरू होते हैं आप बड़ा राइटर बनेंगे, आप बड़ा कलाकार बनेंगे, फिर आपसे ये नहीं पूछेंगे मिजाज क्या है कैफियत क्या है। तो तब तक आप उसी में रहो, आप वो परफेक्ट रहो,
जैसे आपने हिसाब किताब पढ़ता है मैथमेटिक्स 1 2 3 4 5, तो मैथमेटिक्स का टीचर लिखा था हम लोग LKG 1 2 3 4, है ना। अगर वो गलत पढ़े 1 3 4 तो सर मारेंगे या फाइन करेंगे या कुछ तो की इम्पोजिशन देंगे हमको। जब बड़ा मैथमेटिशियन हो गए तो आपसे आके ये नहीं पूछेंगे आप बराबर 1 1 to 10, आप 1 बोलो पहले, फिर 10 बोलो, फिर 7 बोलो, तो भी सामने वाला क्या समझे, ये सब माने उनको 1 2 10, लेकिन वो अपने को खेल रहे, अपने से खिलवाड़ रहे। तो ये चीज याद रखो, कम से कम कैफियत का तो कम से कम याद रखा करो, इस मरीज की कैफियत हरारती के बरूदती की, इस बीमारी की, इस मैदा खराब होने के पीछे हार के बारी देखी, इस इश्यू के पीछे ये है कि ये चिल्लन चिल्ली या ये गुस्से से बात कर रहे, किस वजह से सुस्त हो गए, किस वजह से ये मायूस हो गया, किस वजह से इसकी हॉर्मोन किधर इस तरफ क्यों हो गए। पहले उसमें इतना महारत हासिल करने के बाद में हम लोग मिजाज में जाएंगे कि मिजाज में थोड़ा सा हायर लेवल हो गया, LKG से UKG आ गए, यानी कि उसमें हार रत्तम हार याबिस बारिद रत्तम बार, कि उसके अंदर दो मफूल भी जुड़ा हुआ है। तो जब तक आप कैफियत का ही मास्टर बने, मैं समझता तो हूँ आप कैफियत का भी मास्टर बने, तो आपके अंदर मास्टरी आ गया, आप सुपर 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 मास्टर हो गए। अगर किसी का मैदा खराब हो गया, सपोज एक छोटा सा मिसाल देता हूँ, अब आपका मैदा खराब, मैदे में दवा ये मुकव्विये मैदा लिखने के बजाय, हव्याल तीत लिखने के बजाय, या जवारिश कमोनी लिखने के बजाय, या दूसरा कोई मद्देबीदुलरब्बे कभी औषधि, इतना पहले याद रखो, भले कुछ भी हो, अल्सर रहने दो, कैंसर रहने दो, तबखीरा मैदा रहने दो, या उसको गाजा, तो कोई शिकायत, इतना तो मालूम करने की कोशिश करो इसके मैदे के अंदर ये सूए मिजाज हो, कोई भी नाम रखो, सूए मतलब सूए अजम या सूए मैदा हार है क्या, सूए मैदा बारी देखे। अगर इतना भी जानकारी आपके पास है, 50% जीत के बाद में आपने जो दवा उठा के दे रहे उसमें भले कोई भी कंटेंट आपके तजुर्बे के हिसाब से, जवारिश काबूनी गर्म है अब इसको नहीं दे सकते, माजून देवी दूर ठंडा है ये दे सकता है, जवारी शाही ठंडा है ये दे सकता है, अबे अल्तीत नहीं दे सकता है, अबे तिंकार नहीं दे सकता है, अबे जवारी जंजबील नहीं दे, इतना भी अगर इल्म आपके पास अगर आ गया तो मैं समझता हूँ आप शहर के मशहूर हकीम बन गया, क्योंकि आप उल्टा सीधा कुछ काम ही नहीं करेंगे। आप अगर सपोज आपको मालूम पड़ा इसके मैदे में अल्सर है, आपने बड़ा एंडोस्कोपी कराया, उसको गैस्ट्राइटिस की शिकायत है, या उसको अंदर इकोलाई है, या कोई बैक्टीरिया हेलीकॉप्टर बैक्टीरिया जैसे बैक्टीरिया आपके मैदे में, सब कुछ मालूम आपने कर लिए, लेकिन आपको अगर कैफियत नहीं मालूम, आपको पूरी रिपोर्ट आपके पास आ गया, एंडोस्कोपी की रिपोर्ट आपके पास आ गया, मरीज की पूरी हिस्ट्री आपके पास आ गई, जब तक आप उस चीज को इससे नहीं जोड़ेंगे यूनानी से, तो आप यूनानी से इलाज कैसे करोगे। तो कम से कम इतना तो याद रखो, ये काम इस वजह से हो रहा है कि गर्म, तो कम से कम इतना तो बोल सकते हैं भाई, एक दांत में थोड़ा दूध गर्म करके ठंडा करके सुबह ठंडा दूध पिया करो, ठंडा डॉक्टर साहब जब से ठंडा दूध पिया मेरा पेट एकदम ये हो गया, और थोड़ा मिर्ची से दूर रहो, उसकी बॉडी को एसिडिक से अल्कलाइन की तरफ ला लिया मैदे को, और तमाम एसिडिक फूड जो है गोश्त है नॉन वेज है या मिर्ची मसाले से, वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की तरफ लेके आए, पेशेंट 90% अच्छे हो गए। तबाबत का मतलब, हिकमत का मतलब, आप बड़ा रॉकेट की साइंस जान लिया, क्वांटम साइंस जान लिया, आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ लिया, या उसकी दूसरे को, ये नहीं है हिकमत। इसको आपके सामने एक आदमी आके कोई चीज शिकायत बता रहा है, शिकायत के पीछे क्या कैफियत है उसकी इलाज बताओ, यही आपका हिकमत है, यही आपकी रवैया होना चाहिए। आप क्या करते कि कोई चीज देखते ही आपको इतना दिमाग उसको सताते, हम लोग को दिमाग अपने को इतना सता डालते कि अपने को सोच सोच के भाई बहुत दूर लेके जाते। बच्चे लोग के इसे सादगी से सोचा करो, सादगी से सवाल पूछा करो। इतना याद रखो, अगर आप GAT के ताल्लुक से इतना भी जान लिया, ये GAT के अंदर इसकी फंक्शन में सू यानी गैर तबई, सू मतलब डिसफंक्शन, सुए अजम हो सुए मैदा जो भी सुए यानी डिसफंक्शन हो गया, गैर तबई हो गया, उस गैर तबई के पीछे कुदरत के हिसाब से कानून के हिसाब से सिर्फ दो एक ही चीज दो ही चीज हो सकती है, हरारत एंड बरूदत।
ये फिजिक्स भी है, इसके अंदर केमिस्ट्री भी है, इसके अंदर बायोलॉजी भी है, इसके अंदर फिजियोलॉजी भी है, इसके अंदर पैथोलॉजी भी है, इसके अंदर एनाटॉमी है, सब कुछ है। वो सब बात की चीज है, वो सब बात की चीज को ध्यान रखने की जरूरत नहीं। दिस आर ऑल बात की चीज, सब एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन किसके लिए करते? समझाने के लिए। अगर आप एक चीज समझ गए तो एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है? दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत सारे चीज ऐसे एक्सप्लेनेशन के तौर पे हमारे आंखों के सामने रख दिया, तो भी हमारे पास इतना तकवा नहीं कि वो किस चीज के ऊपर निशानदेही करता है, किस चीज के ऊपर उंगली कर रहे, वो सोचने के पास अपना वक्त नहीं। अगर आपको हर चीज की मालूमात, अगर इशारा मिल गया, फिर आपको कोई चीज वजाहत करने की जरूरत नहीं। वजाहत उनको जरूरत पड़ती है जिनके पास इतनी सोच समझने की अकल या तकवा नहीं हो, तो ज्यादा वजाहत करने की जरूरत नहीं, वाजी करना उनके लिए जरूरत पड़ती। हम लोग हकीम लोग हैं, हम लोग उसकी अगर मुद्दा उसकी मुसब्बबुल असबाब के पीछे वही से सबब से अगर आप समझ में अगर आ गए तो आपको वजाहत की जरूरत क्यों पड़े? आप कभी पूछेगा भी नहीं सर ये क्यों ऐसा हो रहा है। अरे भाई आप क्यों पूछ रहे? क्योंकि आपको खुद ये पता है कि डॉक्टर साहब बीपी क्यों बढ़ रहे। तो बीपी की बढ़ने की अगर आपकी बीपी की माहियत मालूम, अगर रुतुबत है, तो आप बोलो कि इसके अंदर नमक कम करो, वाटर रिटेंशन क्रिएट करेगी, रुतु भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबके लिए कुछ लोग को प्रॉब्लम है, प्रेशर बढ़ना सबके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखो, उससे क्या होता है कि बार बार हम लोग बार बार मैं ये बोल रहा यही हरारतन बरूदत आप स्किन में भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी हरारत की गलबा होते है उसको टैननेस आते है, कलर फेड हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, एथराक होते हैं, बहुत सारे चीज का इश्यूज होते हैं उसके अंदर। बहरहाल पढ़ते रहिए इसके अंदर इतनी चीजें। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक बहुत सारे चीज इतने आईडी भी हो जाते हैं कभी कभी। हम लोग का मियां भाई मुसलमान लोग की एक आदत है, हाँ इंशाल्लाह हम लोग करेंगे, एक इंशाल्लाह छोड़ देते उसके सामने, तो क्या एक एंटीसिपेटरी बेल हो जाती है इंशाल्लाह। कल मैं मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानी पढ़ रहा था तो इतना हंसी आया उसके ऊपर, ये बोल के मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानी सुना के मैं बात खत्म करता हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन ने क्या किया, एक पैसा इकट्ठा करके बहुत सारे पैसा इकट्ठा करके उसने कपड़ा खरीदे कोट सिलाने के लिए। तो जब पैसा इकट्ठा हो गया तो वो कपड़ा खरीदे और वो कपड़ा लेके दर्जी के पास गया सिलाने के लिए। तो रमजान का वक्त था तो दर्जी को बोला मुझे ईद को पहनना है मेरा कपड़ा, तो बहुत सारे बिजी रहते हैं ना दर्जी लोग, तो दर्जी पहले थोड़ा सा ये किया कि नहीं नहीं, फिर बाद में बोला दर्जी ने कपड़ा रखी तो 15 दिन है ईद के लिए, तो दर्जी ने बोला कि अल्लाह ने चाहा तो आपको 15 दिन में आपका कोट सिला के देंगे। तो मुल्ला नसीरुद्दीन खुशी खुशी वापस आए। 15 दिन के बाद में जब मुल्ला नसीरुद्दीन पहुंचा दर्जी के पास, दर्जी अपना काम कर रहा था तो ऐसा देखिए तो कपड़ा किधर है सिलाए के? बोला नहीं कपड़ा सिलाया नहीं, अल्लाह ने चाहा तो अगले हफ्ते देंगे बोले। फिर नसीरुद्दीन भी सोचने लगा वो अल्लाह वाला आदमी है, वो पता है अल्लाह चाहे तो अगले हफ्ते देंगे, तो और उसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा आ गया। तीसरे दिन गया, रमजान भी हो गया, ईद भी हो गया, उसके बाद एक हफ्ते के बाद में फिर गया तो मुल्ला नसीरुद्दीन दर्जी के पास गया, कपड़ा सिला है कि नहीं? नहीं फिर ये वो एकदम अपना काम करते करते दर्जी ने बोला अल्लाह ने चाहा तो अगले हफ्ते आपको जरूर दे। तो मुल्ला नसीरुद्दीन ने बोला अल्लाह को बीच में क्यों ला रहे? अल्लाह को अगर साइड में रख दिया, अगर हम दोनों के बीच में अगर बात करें तो कितना दिन में आप सिला के दे सकते पूछी, क्योंकि अल्लाह नहीं चाह रहा ना तो इसलिए आप भी नहीं बना के दे रहे। तो उसने बताया कि अल्लाह को अगर साइड में रख दिया तो मेरा कपड़ा आप कब सिला के दे सकते? अल्लाह बीच में आ रहे थे इसलिए आपको भी मुश्किल आ रही कि अल्लाह नहीं चाह रहा इसलिए आपको सिला के नहीं दे रहे। ये हम लोग एक आदत हो चुकी है कि एक चीज बोल देते, वो कहाँ किस मंजिल पे बोलना चाहिए ये किसी को नहीं मान। तो ये इंशाल्लाह रखिए दिल में, अल्लाह नहीं चाह, अल्लाह मुसब्बबुल असबाब हर चीज को अल्लाह ही चाहेंगे, अल्लाह ही तभी होगा। तो एक बचने के बहाने अक्सर हम लोग एक चीज इस्तेमाल भी करते हैं, इंशाल्लाह मैं आ जाऊंगा, पहले से नियत रखते मैं आऊंगा नहीं, तो सब लोग ये कहते हैं इंशाल्लाह हम क्लास अटेंड करेंगे और यूनानी को आगे बढ़ाएंगे, तो एक बहाना तो आप बोल सकते हैं अल्लाह नहीं चाह तो मैं क्या करूं।
ये भी एक बोलने वाले को एक बहाना है, तो साथ में रख के चलो उसको। नसीरुद्दीन, मुल्ला नसीरुद्दीन ने वही कहा, भाई जरा अल्लाह को अगर बीच में से हटा के अगर मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप मेरी बात अगर सुनेंगे तो मेरे को लगता है मेरा कोट सिल जाएगी। तो बहरहाल अब लोग इसमें ध्यान रखिए, छोटा छोटा भले छोटा हो लेकिन उसके ऊपर आपको रिजल्ट मिलने वाले आइटम को हाथ में ले लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। सर कुछ क्वेश्चन बाद में थे बात, अगर एक दो क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं भी ज्यादा नहीं। सर, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर एक 16 इयर्स का बच्चा है सर, उसका 3-4 इयर्स बैक इंसिडेंट सिक्सटी है जी। बहुत थ्री सारे फोर लोग का इयर्स माइक बंद सर, करो। हाँ वापस बोलिए। हाँ एक 16 इयर्स का बच्चा है सर, 3-4 इयर्स बैक में उसका हिस्ट्री था कि पिकनिक से आने के बाद में सडनली रात को बेहोश होके गिरा और वो चल नहीं पा रहा था। उसके बाद फिर उसको एडमिट किए, थोड़ा ट्रीटमेंट वगैरह किए तो ठीक हो गया वो। मतलब लेकिन उसको बचपन से हाइपोथायरॉयडिज्म है, मतलब टेबलेट्स लेता है उसके लिए। अभी से उसका 10th में अगेन उसको सेम वही कंप्लेन हुआ कि रहते रहते उसका पैरों से चलने की ताकत मतलब खत्म कम होती गई और एकदम लीन भी हो गया। और फिर वो खाना खाता है तो खाना पूरा उल्टी के जरिए सा आई जैसा होता है उसे। और उसका मैंने फिर ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराया तो हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम है और उसका SGOT SGPT बढ़ा रहा है, मतलब सर वो मस्कुलर डिजनरेशन में बढ़ता है ना। और जो खाना की शिकायत थी सर उसकी, तो जस्ट सब्जेम के गार्गलिंग और गर्म पानी में डाल के पीने से उसको शिकायत खत्म हो गई, मतलब वो खाना खा पा रहा है। और बलगम ही पल्स है सर इसकी, इसको नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या सजेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज मस्कुलर डिजनरेशन जैसे लगा सर उसे पूरा भी। डॉक्टर उसका एक पैर आप, थिन है और एक पैर नॉर्मल है। यस सर, डॉक्टर आपने ये सब चीज बताया, मतलब एक अच्छे इंफॉर्मेशन दिया। इसके साथ आप एक अपनी तरफ से यूनानी की पहलू से, भले आपको आपकी डायग्नोसिस मॉडर्न के हिसाब से अभी थायराइड का इन्वॉल्वमेंट है बहुत सारे, यूनानी के एतबार से ये क्या हो सकता है, यानी कि किसका काम हो सकता है ये, मतलब किस वजह से हो सकता है? सर उसको बलगमी मिजाज लगा था सर मुझे उसका। डॉक्टर साहब इसकी तमाम अवारिसात, तमाम सिम्टम्स जो है ना सफरावी है। बॉडी के अंदर हमेशा याद रखने का, वैसोवैगल शॉक, सिंकोपल अटैक, एरिथमिया, फिर समझो प्रिक शॉक, एनाफिलैक्टिक शॉक, क्योंकि बॉडी में, बॉडी को एनर्जी ताकत देने वाली सबसे महीन बैटरी है कौन सी? ये सफरा। कभी कभी अचानक आदमी सपोज चक्कर आके गिर रहा है, किसी को अचानक उल्टी हो रहे, अचानक बेहोश हो रहे, अचानक लूस मोशन हो रही, ये अचानक की तमाम चीजें, अचानक एकाएक होना, ये सफरा के जिम्मे में, बलगम के जिम्मे में है ही नहीं, सबसे लिए निशानदेही वही है। दूसरी चीज याद रखने का, सफरा बेसिकली बहुत सारे चीज से कनेक्टेड है, लीवर से कनेक्टेड है, मैदे से कनेक्टेड है, सिर्फ मैदा और जीवर लीवर से, ये सफरा दिमाग से भी कनेक्टेड है। कभी कभी हम लोग जैसे किसी का ना कीर्तन, कभी कभी हम लोग कभी कभी हम लोग क्या करते कि जैसे किसी को जॉन्डिस बढ़ गया या किसी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया, इसको बोलते हैं हम सेरेब्रल एनकीफेलोपैथी कहते हैं, यानी दिमाग तक सऊद करते सफरा और दिमाग को सत्यानाश करते हैं। कभी कभी आदमी बहुत सारे मतलब इश्यूज में चले जाते। तो कभी कभी ये जो हम लोग जो पढ़े थे, क्या नाम उसका, प्लासेंडल बैरियर, BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर, PPP, प्लासेंडल, वैसे बहुत सारे बैरियर्स जो है वो बलगम सौदा दम जैसे चीज क्रॉस नहीं करते। सफरा एक ऐसी चीज है वो बहुत सारे चीज को क्रॉस करते, कि इसके अंदर कोते नुफूज ज्यादा है, कोते नुफूज ज्यादा है, इन्फिल्ट्रेटिंग। तो इन्फिल्ट्रेटिंग की वजह से बहुत सारे डिजीज जो अचानक होने वाली शॉक सारे सफरा के अंदर रहते हैं, उसमें बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन में एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। अभी आपने SGPT और SGOT की चीज बताया, ये बच्चे के अंदर एक क्या हुआ कि टूर का एक हिस्ट्री है, अब टूर है, सफर है, ये सब हिस्ट्री अपने को इलाज में बहुत सारे सपोर्ट करते हैं। टूर की हिस्ट्री में या तो कोई खाना भी ना खाया होगा, आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा खाया होगा, या कोई ऐसी जगह पे जाके कोई चीज ऐसा खाया होगा जो सफरा को छेड़ने में, सफरा को छेड़ने में ये किया होगा, वो क्या करेगा, वो वापस उसको तकलीफ देगी।
कभी वो हिस्ट्री बताया गया नहीं पब्लिक आके बच्चा वो बच्चे टूर को गए थे वापस आ गए, बच्चे कभी वापस गया टूर गया खाना पीना खाया कुछ उल्टी हो गया खाया दूसरी शिकायत याद रखा करो। तो हम लोग क्या करते कि बच्चा स्पेन डॉग के गिरे टायरोडिज्म का थायरॉइड का मसला ये हमारे दिमाग दूर चले जाते हैं और कहीं वापस अगर नजदीक अगर आ गए ज्यादातर ऐसी इश्यूज जो डिफेंसिव मैकेनिज्म में काम करता है कोलैप्स होना गिरना ये सब सफरा का काम है। तो आप एक काम करो इसमें एंटी सफरा ट्रीटमेंट दो, एंटी सफरा ट्रीटमेंट के अंदर आप ये दे सकते हैं मशरूम आमला दे सकते हैं दवाई शाही दे सकते हैं कभी कभी सिकंजे बीन भी सम एक्सटेंड काम करते हैं इसमें थोड़ा सा खट्टापना या खट्टी चीज जो है या हामी मूलक वो चीज में वो देख कर सकते हैं। ये एक्सक्रीशन बहुत सारे जैसे एक्सेसिव जैसे किसी को अचानक डायरिया हो रहे उल्टी हो रहे सर दर्द हो रहे देखो हम लोग का हम लोग की जो यूनानी में हम लोग का मास्टरी क्या है बलगमी अमराज अस्थमा नजला जुखाम मैंने एलर्जिक अस्थमा साइनोसाइटिस ये सब पढ़ के रखी सफरा के बारे में हमने पढ़ा सफरा के बारे में हमने सिर्फ इतना पढ़ा जॉन्डिस के अलावा हेपेटाइटिस के अलावा जोफेजिगर के अलावा सफरा की बीमारी जानता ही नहीं हम लोग सफरा की बीमारी इतनी सारी कि वो इवन एलोपैथी डॉक्टर्स फेल होता है क्योंकि ईच एंड एवरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ मिलता ही नहीं वो क्योंकि इतना लतीफ है सबसे लतीफ सबसे ताकतवर चीज होता है याद रखो जैसे शैतान है ये जिन्ना तो इनकी लताफत के हम लोग को सौदावी मादे से बनाया मट्टी से बनाया हमारी गिलजत की वजह से हमारी फिजिकल अपियरेंस से हमारी गिलजत की वजह से इस मखलूक को नजर आ रहे बाकी दुनिया में इतनी सारी मखलूक है उसको इसलिए नहीं देखते वो सबसे लतीफ अज्जा से बनी इसलिए ये गलीज मादे से बने हुए इंसान के सामने सजदा करने के लिए इबलीस ने इनकार किया जबकि सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को इबादत करने वाली इबलीस ही थे कि इसने वही बोला कि लताफत हम लतीफ है ताकतवर है दिखता नहीं वो उसकी असर हर जगह दिखेंगे आपको शैतानियत की। सेम चीज सफरा के बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी किया करो फंडा कंक्लूड मत करो कोई चीज को तो आपको समझ में आएंगे कि ये क्या चीज है। तो आप एंटी सफरा ट्रीटमेंट इस्तेमाल करके देखो दिनार स्टार्ट किया था शरबत दिनार अच्छा है काफी दिनार भी है मशरूम आमला भी है और जवारी शाही इज गुड आमला का कोई भी काफ मसल सब बेसिकली कभी कभी क्या होते एक होता है कि आप जो फूड पॉइजनिंग में एक पॉइजन आते हैं बोटुलिज्म बोल के बहुत खतरनाक पॉइजन है बोटुलिज्म पढ़ के देखो वो एक एंडोटॉक्सिन रिलीज करता है शायद छोटा सा तो एक आड़ा तेड़ा कुछ तो कुछ खाया होगा बड़ा फूड पॉइजनिंग के लिए बड़ी रीजन की जरूरत नहीं थोड़ा सा पुरानी चीज रात का खाना सुबह भी खा लिया सुबह का दोपहर में कहती है पॉइजन होता है ये बोटुलिज्म पॉइजन में इसकी अलामत क्या मालूम जबरदस्त उल्टी स्टार्ट होता है उल्टी खत्म होके बाद में जबरदस्त डायरिया स्टार्ट होते हैं यहाँ तक कि ऊपर रेक्टल ब्लीडिंग स्टार्ट होती है कि म्यूकोसा तक चले जाते ये दोनों खत्म होने के लिए जो एंडोटॉक्सिन जो रिलीज हुआ बॉडी में वो एंडोटॉक्सिन एक्चुअली ये एक्स्ट्रा ये बाहर की टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के बॉडी भी कुछ टॉक्सिन रिलीज करता है वो डायरेक्ट जाके नर्व एंड मसल में फर्क इसलिए मस्कुलर पेन इतना होते चलना दुश्वार होते आदमी ऐसा डगमगा के चलता है वो इतना जबरदस्त बूट अक्सर देखो फुट पॉइजनिंग के बाद में पहले उल्टी आ गया फिर डायरिया हो गया फिर बुखार आ गया फिर हाथ पैर मसल में ताकत नहीं फिर एक हफ्ता दो हफ्ता लगेगी तो उसके बारे में जब आपको इतना समझ में आ रहा है उसको नर्व ज्यादा डीप में जाके कंफ्यूज मत हो उसको थोड़ा सा डिहाइड्रेशन के हिसाब से उसको हाइड्रेट करो और एंटी सफरा ट्रीटमेंट जारी रखो ओके सर बट उसका पल्स है ना एकदम वॉल्यूमेटिक फील होता तो उस पल्स की वजह सर पल्स नर्व्स जो था ना एकदम वॉल्यूमेटिक थोड़ा गॉड जैसे आपने बताया था ना लाइक दिस सीन में बुखार आ गया या किसी को हाइपरथायरॉइडिज्म कोई डरा हुआ तो पटाखी का चलता है उसमें तो वो डरने की वजह सफरा है या समझो सफरा नहीं हुआ लेकिन बुखार की वजह से भी या कभी एंग्जाइटी ऑल्सो सफरा एंग्जाइटी की वजह से भी पल्स बीट बढ़ता है तो जरूरी नहीं कि वो हिसाब से
कोई कॉम्पेंसेटरी डिसऑर्डर के हिसाब से पल्स की जो शैलो एंड डीप ब्रीथ के हिसाब से पल्स में चेंजेस। ओके सर, हर मास का भी रिजल्ट मैंने देखा है, मस्कुलर प्रेशर अच्छा है। सर हर मास टोन का मस्कुलर प्रेशर कई पेशेंट मैंने देखा कि अच्छा रिजल्ट आ रहा है सर उसका। हां, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली वो जो बहुत सारे मिनरल्स है इसके अंदर जी, वो हिसाब से इसके एक ही है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, अभी अक्सर सर ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं सर, जैसे सबमिकल फाइब्रोसिस सर हम उसे कहते हैं, कि आमतौर से सर गुटके वगैरह ये ज़्यादा खाने की वजह से सर उनके वो माउथ जो है वो ओपन नहीं हो रहे हैं सर, और जो इनर म्यूकोजा है सर उसमें सर पैचेस है और वाइटनेस। तो एक मिनट जी सर। बोलिए सर। जी सर, तो सर सब म्यूकस फाइब्रोसिस के ताल्लुक से सर, सर थोड़ा ये समझ में आया था सर कि ये मतलब खुश्की पैदा हो गई है सर वहाँ पे। और बस आप सुनिए, आप जो बेसिकली म्यूकोसा के अंदर हो तो भी मादा ज्यादा रहते हैं, और जितना सर्द खुश्क चीज खाने से बेसिकली गुटके की वजह से नहीं, गुटके में जो सुपारी रहते सुपारी आबिस काबिस मुजफ्फी से जी सर, बहुत सारे लोग इतना इतना मुंह खोलते और खाना ऐसा डाल के खाता है वो जी सर, तो तंबाकू की वजह से नहीं, वो एक्चुअली सुपारी की वजह से आबिस काबिस मुजफ्फी से। तो म्यूकोसा हार्डनिंग मतलब उसके अंदर एक सौदावियत या सलाबत उसके अंदर आ गया, वो कभी कभी स्क्लेरोसिस के अंदर भी, स्क्लेरोटिक जो डर्मल है तो जनरलाइज्ड स्क्लेरोसिस आते हैं, कुछ लोकलाइज्ड स्क्लेरोसिस हो सकते हैं उसको, ये फाइब्रोसिस की वजह मेन वो टिश्यू ये हो जाते हैं। अब इसमें बेसिकली दो किस्म के ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एक उमूमी और एक मकामी। ओके, उमूमी तौर पे गर्म तौर यानी कि बॉडी उसके अंदर वापस यानी खून बढ़ने वाले अज्जा से उसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ये जो इश्यूज हुआ बेसिकली ये मकामी इश्यूज से स्टार्ट हो, उसको जनरल कोई प्रॉब्लम नहीं है समझा, तो उमूमी इलाज से ज्यादा लोकली आप उसको कोई गर्म तर अशिया, गर्म तर यानी कि रुतुबत को वापस उसको लाने वाली, मतलब जैसे एक्सटर्नल स्किन हम लोग मॉइस्चराइजर वगैरह लगाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा ऐसी जगह है हम लोकली उसको कुछ अप्लाई जल्दी कर भी नहीं सकते इसके अंदर, उसको आप बेसिकली बैरूनी तौर से आपको थोड़ा सा मसाज के तौर पर गर्म तर तेल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना जैसे राई का तेल, राई का तेल से जो सरसों का तेल से चेहरे से अगर मसाज करने से लोकली स्किन के ऊपर असर कर, वरना आप अंदरूनी तौर पे आप उसको कुछ कर नहीं सकते। अगर आपके पास मैं समझता हूँ जो अपने देसी घी है जी सर, देसी घी या अपना मलाई है जी सर, देखिए एक ही चीज से मलाई से तो घी बनते, मलाई से या देसी घी से उनको बोलना सुबह शाम उसको रगड़ा करो, क्योंकि लोकली एब्जॉर्ब होने के लिए, क्योंकि जो म्यूकोसा है म्यूकोसा से लोकल एब्जॉर्प्शन नॉर्मली कम होता है, अगर फाइब्रोसिस हो गए तो और कम हो जाते, तो मकामी तौर पे आप कोई भी मुरगनियात के ऐसे नहीं मुरतब यानी रुतुबत क्रिएट करने वाली कोई चीज आप एक्सप्ले कर सकते हैं, जैसे घी कवार का जो घी जो आता है घी कवार का गोदा वगैरह जो चीज लोकली कर सकते हैं, बाकी एक्सटर्नली आप गरम तर और गरम गरम दवा से मसाज करें। हमेशा याद रखो गरम खुश्क दवा से बिल्कुल इस्तेमाल मत करो, गरम खुश्क फर्स्ट डिग्री चल सकते, सेकंड थर्ड डिग्री और रुतुबत की वजह से। ओके थैंक यू सर। बस ओके, बच्चों में जो बाल सफेद हो रहे हैं सर, इस पर थोड़ा सा एक मेजॉरिटी बच्चे आजकल बच्चे नहीं, बच्चे बड़े हो गए बहुत जल्दी, बच्चे लोग में बचपना नहीं, बच्चे लोग का आदत क्या है 8:30-9 बजे सोना, 12 घंटा 10 घंटा 8 घंटा सोना, तो बच्चे आजकल सोता 10, 11, 12, 1 बजे। और सबसे ज्यादा याद रखो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आजकल बच्चों में हो रहा है, क्योंकि बच्चे की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गई नींद की कमी की वजह से, और तमाम बच्चों में सफरा का गलबा हो रहा है, सबके अंदर एक इंगुलाबी कैफियत है दिमाग में भी और जिस्म में भी, सब लोगों से लड़ते रहते हैं, सब चीज के ऊपर वो अपनी सफाई पेश करते रहते, सबके अंदर सफरावियत बढ़ते जा रहे, जबकि बच्चे के अंदर रुतुबत होना चाहिए।
रुतुबत हर चीज को बढ़ाता है, हर चीज को फैलाता है। तो बच्चे में रुतुबत की कमी की वजह से बाल की ग्रोथ से लेके बाल की पिलाट से लेके बाल की बहुत सारे हेल्थी टिश्यूज फॉर्म नहीं हो रहे। तो इसीलिए याद रखो कि जब तक आप, मैं हमेशा हमेशा ये चीज कहते कि मैं हमेशा कभी भी कहीं भी नहीं भी जगह जाता है तो अपने आप को मैं इंट्रोड्यूस नहीं करता कि हाँ मैं डॉक्टर, मैं छुपा के रखता हूँ। उसकी वजह बहुत सारी वजह है, उसकी वजह आपको मैं हमेशा एक मेरा हर फंक्शन में बोलते रहता हूँ। मैं हम लोग नहीं गौर से मैं डॉक्टर बोलते, मैं जहां मिलता है नया डॉक्टर को मैं मेरे दोस्त लोग को भी बोलते कि किसी को इंट्रोड्यूस कर, खाली मुझे मेरा नाम बोला करो, मैं कौन हूँ मत बोला करो, क्योंकि मैं कौन है बोलते डॉक्टर है बोलते यूनानी डॉक्टर है बोलते तो फट करके सवाल पूछते, इलाज की मसला पूछते, दुनिया की कोई मसला हमसे बात ही नहीं होते, उनको इलाज चाहिए, उसका चाहिए, बाप का चाहिए, माँ का चाहिए, और वैसी ऐसी बीमारी की इलाज मांगेंगे, दुनिया भर की इलाज कर करके थक चुके। तो बहुत सारे वजूहत से, बहुत सारे दवा देख के, बहुत सारे वजह से एक बीमारी क्रिएट करके हमको पूछ रहे कि इसका एक सोल्यूशन बता, एक सोल्यूशन बता। दुनिया में कोई भी एक बीमारी एक सबब से नहीं होता, याद रखो, एक सबब से अगर एक बीमारी होता तो एक दवा काफी था। मुख्तलिफ असबाब से बीमार एक आदमी बीमार पड़ते, बहुत सारे वक्त लेके जमाने से बीमार पड़ते पड़ते फिर आके सर हमको जरा सही करके दो सर। इसमें कितना वो जवाब में कितना तकलीफ होते। तो कभी भी मैं जाता तो किसी से इंट्रोड्यूस करते सलाम अलैकुम, मैं अपने आपको डॉक्टर नहीं कहते या हकीम नहीं कहते, मैं खुलते मैं कपड़े का बिजनेस करता हूँ या सोने का बिजनेस करता हूँ, तो बात खत्म हो जाती। आप लोग देखेंगे क्या नाम उसका, हम लोग का एक बेहतरीन एक सबक है जिसने अगर देखा नहीं तो पिक्चर देखना, मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई MBBS में ये जो क्या नाम उसका संजय दत्त अपने आपको उसके अब्बा को उसको डॉक्टर बनाने का था, फिर अब्बा के लिए वाड़ा तेड़ा वेड़ा करके एडमिशन लेके डॉक्टर बनने की कोशिश किया, डॉक्टर बने, और उसकी खासुल दोस्त उसके अंदर एक मरीज था जहीर कुछ बोल के, देखा होगा तुम लोग, देखो अगर जिसने भी नहीं देखा, बेहतरीन मूवी है, उसमें बहुत सारे सबक है। तो उसने जहीर जब मरता है कैंसर में तो ये लपड़ के ऐसा नहीं कैसा हग लेके मर जाते, तो उस दिन उसने तय कर लिया कि अभी मुझे डॉक्टर बनना नहीं, मैं जहीर जैसे लोग को जीवन अगर हम नहीं बचा सके तो फिर काय को अपने आपको डॉक्टर बन के घूम रहे। तो ये हमारे जहन में भी होना चाहिए, हमें अपने टेलीस्कोप डाल के घूम रहे, हम लोग अपनी क्या नाम उसका गाड़ी के ऊपर बड़ा प्लस मार्क, कुछ लोगों को मैंने देखा इतना बड़ा बड़ा प्लस मार्क निशानी लगा के रखे, फोटो में भी अपने टेलीस्कोप डाल के रखे, ये हमारी कमजोरी को हम ढांकने के लिए अपने आप को हाईलाइट कर रहे। उल्टा जरा समझ के देखो, तुम अगर डॉक्टर तो आज तक सिम्टोमेटिकल के अलावा तुमने कोई मरीज का कितना मरीज का ट्रीट किया, ये एक जमीर का जमीर पे एक 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 सवाल है, एक 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 एहसास तो कम से कम होना चाहिए, भाई अभी मैं डॉक्टर करने के काबिल नहीं हूँ, अभी नहीं कभी भी नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं इलाज करने के लिए सीख रहा हूँ, ये कम से कम दिमाग में ये रखा करो कि अपना आपको बड़ा डॉक्टर कभी बन ही नहीं सकते मेरे ख्याल से कोई भी आदमी इंसान, जितना हम पढ़ते जाएंगे ऐसा लगे इतना हमको कुछ मालूम ही नहीं। तो बहरहाल याद रखो ये चीज, जितना हम धीरे धीरे जितना पढ़ेंगे इंशाल्लाह उतना आपका परफेक्ट होते हैं। ओके थैंक यू सर। आप अकोला आने वाले हैं सर? अकोला मुश्किल है डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरा एक्चुअली मैंने दो तीन जगह पे अभी मेरा सिर्फ एक हैदराबाद में एक फंक्शन है जी, बहुत सारे उसके भी पीछे बहुत सारे वजूहत है। आजकल मैं बड़ा आदमी हो गया लेकिन या नया बहुत बड़ा इसके वजह से नहीं, मैं पब्लिक फंक्शन में आना बहुत कम इसलिए किया कि जब हम लोग बात करते हैं माइक तो सामने वाले की जो सोचने समझने की सलाहियत और हम जो बातें कर रहे कम से कम कुछ तालमेल अगर हो गए थे कुछ चीज कुछ बात बन जाते। अब कुछ ऐसे लोग रहते कि वो एक्चुअली कुछ यूनानी डायरेक्ट एक 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 शॉट में उसको जवाब चाहिए, एक शॉट में उसको इलाज चाहिए, तो अभी हम कहाँ से स्टार्ट कर, तो वो हिसाब से एक जहनी तवाजुन मतलब एक मेरे अंदर एक लोड पड़ जाता। मैं बोला यार अगर कुछ लोग अभी जैसे ये ग्रुप में मैं कभी भी अभी भी मैं को दो फंक्शन में जाना है तो मैं इसीलिए फंक्शन छोड़ के थोड़ा सा एक्सक्यूज करके बैठा है, क्योंकि ये कम से कम ये ग्रुप वाले कुछ तो कुछ समझ में आते हैं इनको। अभी यूनानी की बहुत सारे ग्रुप बहुत सारे लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर, मैं कभी कभी उसमें ये सोचता कि इस ग्रुप के कोई बच्चे आके उस ग्रुप में जाके कोई सवाल करेंगे तो उन लोग सब फंस जाएंगे,
क्योंकि सवाल भी आजकल लॉजिक सवाल करते हैं ग्रुप के लोग, अगर वो लेक्चर सीरीज में दो बार अगर लेक्चर अगर उन लोग पहले सोचेंगे भाई अकादमी की कोई स्टूडेंट्स तो नहीं इसमें नहीं हलती, क्योंकि इन लोग की बेसिक सवाल पूछेंगे वो बेसिक उनका परफेक्ट नहीं जो लेक्चर ले रहे। जी सर। तो अकोला में मैं ऐसे मेन प्रॉब्लम एक एक दो पहले बॉम्बे जाओ या फिर पुणे जाओ, फिर ऐसा डायरेक्ट जाना के लिए थोड़ा एक दिन जाने में एक दिन आने में, तो ये सब थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब था, वरना मैं आने को राजी हूँ अगर पढ़ना और पढ़ाना तो अपना ही तबाबत के साथ अपने वहाँ के भी लोगों सर वहाँ के लोगों को भी सर जैसा हेल्दी वे सर अपना स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पर भी सर लोग ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज स्टार्ट हो, और कहीं ना कहीं सर जो चीज हमने आज यहाँ पर एक साल में मैं तकरीबन एक साल से इससे जुड़ा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सरपरस्ती में इतना तो सर समझ गया है कि ये चीज ठंडी है ये चीज गर्म है और मैदे में ये देना है ये सिस्टम में ये देना नहीं है, जो सर आज तक के हमने कभी सीखे नहीं थे इतने साल से 15 साल हो गए सर, लेकिन बस वही हब्बे मुकव्य मैदा और माजून मुकव्य मैदा वो सब उसी में ठंडे में भी वही चल रहा है और तुखमा में भी वही चल रहा है और तफकीर में भी वही चल रहा है सर यही था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक साल से जुड़ने में सर ये बेसिक चीजें इतनी क्लियर हुई, मिल रहा होगा रिजल्ट भी मिल रहा होगा 100% सर। और सर मैं जब मैंने हेल्दी वुमेन से स्टार्ट किया हूँ सर तो मैं एक महीने में एक आध पेशेंट यूनानी का देखता था, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कम से कम 5-7 पेशेंट डेली इसके देखता हूँ सर। वेरी गुड माशाल्लाह, यही तो हम चाह रहे भाई जी, दो वाला पांच हो जाए। तो अगर अकोला में अगर आप कायदे से अगर एक ग्रुप जैसे बनाएंगे, अभी महाराष्ट्र में शायद एक ग्रुप इन लोग ने बनाया तो मैंने उनको कल एक मैसेज भेजे थे भाई आपने ग्रुप में जमा हो गया अजमल सर या दूसरे कोई सर आके हमको एक जादू की झड़ी देंगे हम एक अकीम बनेंगे, ये सोच के बहुत सारे लोग ज्वाइन होते भाई ये मामला बहुत बड़ा है, ये कैफियत तबाबत हिकमत तसव्वुफ ये सब चीज मिली जुली एक चीज है, आदमी इसके अंदर कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकते इसमें कोई इंतहा ही नहीं। जी सर बिल्कुल सही सर, आप देखो ग्रुप बनाओ हम लोग धीरे धीरे करेंगे तो मशा जितना हमसे हो सकते है दूसरे से भी हो सकते है सबसे हम जोड़ेंगे सब जोड़ते आ रहे हैं, अभी देखो अभी बहुत सारे लोग लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है माशाल्लाह सबको देख के कम से कम अपने को देख के कम से कम एहसास तो हुआ। जी सर वो इकबाल भाई ने सर शायद कांटेक्ट किए होंगे सर आपसे, इकबाल इनामदार सर। हाँ इकबाल ने वो इनामदार नो जी हाँ मैंने इनको बताया भी तब मैं बोला भाई मेरा सिर्फ आने जाने का मसला है, फिर मैंने इनको भी बोला अगर तुम लोग एक चीज अगर कर सकते अगर ऑनलाइन में या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अगर दिया उस दिन अगर मुझे भाषण देने के लिए तो मैं डायरेक्ट यहाँ बैठ के ऐसे ऑनलाइन में अगर स्क्रीन रख दिया तो आई कैन डू इट नो प्रॉब्लम। जी सर वो यही सजेशन मैं और दूंगा सर उनको मिलकर, उनको बोलो कि कम से कम 10-15 मिनट अगर एक सेशन देंगे तो थोड़ा अपने एक 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 मोटिवेशन 10-15 मिनट में सर आपकी हमारे एक साल से आपको सुन रहा हूँ सर वो ताली नहीं बन पाता सर आपका 15 मिनट तो नहीं अभी एक्चुअली क्या अभी हैदराबाद ने प्रोग्राम को इनवाइट किया आरआरएम पे तो मेरे को बोला कि आपको 15 मिनट देंगे बोला तो मैंने ऐसा मैं बोला मेरा मेरे आलाप के लिए 1 घंटा लगते है मैं बात को माहौल बनाते बनाते 15 गाना तो मैं बाद में गाता हूँ, मेरे पहले आलाप रहते मेरे हर लेक्चर में आलापन रहते गाना तो मैं गाने की लायक आई नहीं गाना तो कोई भी गाओ अच्छे से लेकिन हम तो आलाप पे रहते तो मैंने बहरहाल एक अच्छे एक ये चीज मैं ये कहना चाह रहा कि अभी इसमें भी हम लोग थोड़ा सा पीपीटी सिस्टम के जरिए भी लेक्चर ले सकते लेकिन मेरा सुबह का मामला रहते कि संडे के तो हिसाब से करेंगे चला थोड़ा बहरहाल इतना तो जद्दोजहद सब लोग ने किया, साउथ डॉक्टर तो इसमें 100% 1-2 साल से अटेंड कर रहे हैं, हम लोग का पैरेलल मेडिकल कॉलेज है तो हम लोग ने मान लिया कि हम लोग पूरी हिंदुस्तान में पैरेलल मेडिकल कॉलेज चला रहे हो, मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है तुम लोग फाउंडर बैच की, अभी तुम लोग हर एक आदमी ऐसा लेक्चर्स और ऐसी ग्रुप बनाओ जितना तुमने पढ़ा उसमें डिस्कशन स्टार्ट करो, कोई सवाल करेंगे तो उसके जवाब देते देते आपकी इस्लाह हो जाएगी, ऐसा नहीं कि मैंने एक सुबह उठ के मैंने भी लेक्चर थोड़ी स्टार्ट किया, आप कैफियत के ताल्लुक से मैदे के ताल्लुक से अपने तरफ से लेक्चर स्टार्ट किए ग्रुप बनाइए डिस्कशन कीजिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आपस में डिस्कस कीजिए। थैंक यू सर जजाक थैंक यू गुड टू सी यू। दरअसल आज सर की तबीयत ठीक ना होने की वजह से सर की नजलाए हार की कैफियत डेवलप हो रही है तो मसला ये है कि हम लोग अपने सर के मिजाज को भी देखें उनकी कैफियत को भी देखें। क्वेश्चन हमारे पास 7-8 क्वेश्चन थे लेकिन इस वक्त क्वेश्चन का सिलसिला हमारे ग्रुप पर अगर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एक क्वेश्चन की इजाजत दे सकते हैं जो बहुत ज्यादा प्रताड़ित हूं, क्योंकि चलते चलते सर की कैफियत का अंदाजा हम जानना चाहते थे कि सर के मिजाज में क्या है कि सर ये नजला जुकाम जो है इस पर एक लेक्चर कंप्लीट हो, कि जिससे कि नजला जुकाम जो है वो डीपली स्टडी में साइनोसाइटिस और लेरिंजाइटिस फेरिंजाइटिस ये बहुत ज्यादा रहता है। और कश्मीर में सर को हमने देखा कि सर को भी नजलाए हार से लड़ना पड़ता है। सर मैं इंशाल्लाह अगले संडे तो मैं हैदराबाद में, मेरा लेक्चर नहीं हो सकता, और उसके बाद के जो संडे आएंगे इंशाल्लाह जी 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 वो संडे को हम रखेंगे। सर कम से कम हमें अपनी फिटनेस पर भी तो सर गौर करना पड़ेगा ना सर, और जब आप फिट रहेंगे। अस्सलामुअलैकुम सर, प्लीज मेरी हां बताइए बताइए जल्दी, बेचारा परेशान है कोई। सर इवन माय थ्रोट इज नॉट वर्किंग वेल। सर एक बच्चा है 12 टू 14 इयर्स, उसको ना ड्रग एलर्जी हुई, उसने कोई बचपन में या शायद फीवर के टाइम पे उसको किसी ने लोकल डॉक्टर ने स्टेरॉइड दे दिया था, तो अब उसकी पूरी बॉडी पे ना सर जगह जगह वेल स्प्रेडेड और वेल मार्क बॉर्डर्स हैं, उसके ब्लैक पैचेस हैं। एक मिनट सर, प्लीज 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 आप बोलिए। और क्या बोल रहे सर, उनकी उस बच्चे की बॉडी पे वेल मार्क ब्लैक पैचेस हैं पूरे शोल्डर्स पे, और उसकी हिस्ट्री है कि उसको लगातार उसको कुछ मतलब पल्मोनरी उसको प्रॉब्लम रही थी, तो उसको बहुत लंबे टाइम तक स्टेरॉयडल उसको कुछ थेरेपी चली है ओरल। ये पोटेंशियल हेमरेज या परप्यूरा या एक्मोसिस ऐसा कोई तो नहीं है ना, सिर्फ डार्क मार्क? नहीं नहीं सर, डार्क मार्क है बड़े बड़े शोल्डर्स के ऊपर पूरा, मतलब ये समझ लीजिए पूरा एरिया दिख रहा है, वो सर्कल दिख रहा है उसपे ब्लैक ब्लैक सर शोल्डर में है। और सर कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई इचिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्लैक पैचेस हैं उसके बैक के ऊपर। एज क्या उनका? एज 12 to 13 इयर्स ही है सर। कौन सी दवा ज्यादा इस्तेमाल किए थे कि एंटीबायोटिक स्टेरॉइड एंटीहिस्टामिन वगैरह कोई ऐसा कोई ज्यादा दवा इस्तेमाल किए थे? सर एंटीबायोटिक स्टेरॉइड ही चली है जब वो हार्डली वो होगा 5 to 6 इयर्स का। ओके अभी राइट नो कोई प्रॉब्लम दर नहीं, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है वो पैचेस के साइज भी बड़े हो रहे हैं दिख रहे हैं उनको, पहले वो छोटे से पैचेस थे ब्लैक ही थे, उसके बाद वो अब बड़े बड़े पैचेस हो गए ब्लैक कलर के। अभी राइट नाउ शी डोंट हैव एनी इश्यूज नाउ? नो 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 कंप्लेंट तो कोई नहीं है, बस वो ब्लैक पैचेस वो अलग ही दिखते हैं बिल्कुल डार्क। सर डू वन थिंग, जस्ट स्टार्ट विद शरबत दीनार। जी सर जी। 1 teaspoon बीडी, बाकी कोई चीज मत दो फॉर 3 months। सर मैंने उनको माजूने नजर दी थी हाफ हाफ टीस्पून बीडी के हिसाब से। ओके सर मैं एक्सटेंड ओके। ये अगर बच्चे अगर 14 साल के या 15 साल के तो स्किन का ग्रोथ होते रहते हो, फेड हो जाएंगे, डोंट वरी। अब ये सिर्फ ये स्टार्ट करो, बाकी कोई दवा मत दो, 1 BD। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम जी। सर मेरी वाइफ का सी पेप्टाइड बढ़ा हुआ, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। सी पेप्टाइड का लेवल सी पेप्टाइड उनसी लो सी पेप्टाइड बढ़ा हुआ है, हाइपोग्लाइसीमिक हो जाती है, तो थायराइड की पेशेंट भी है। ओके फाइन, क्या करना पड़ेगा उनके लिए? मिजाज क्या है तुम्हारी बीवी का? सर बलगमी मिजाज आता है उनका। सोचना पड़ रहा है क्या भाई, बहुत तकलीफ में आएंगे अगर आपको बीवी के मिजाज नहीं मालूम है। बलगमी है जी सर, मान लेते हैं माशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी जी। ओके ओके। ओबेस है? ओबेस है सर। वाटर रिटेंशन है बॉडी में? जी सर, मैं बात करा दूं आपको। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री क्या है? बात ना कराइए, दिखा दीजिए सर। सर को देखने के बाद एहसास होगा ना, दिखाइए तुरंत। ये सर आजमगढ़ के शेर हैं सर ये। ओके 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 ओके। क्या क्या प्रॉब्लम बताओ, आपकी प्रॉब्लम बताओ। पेप्टाइड पेप्टाइड मैं नहीं जानता हूँ उसको, मैं डर गया तो इस केमिकल वर्ड्स। आपको प्रॉब्लम बताइए। एक्चुअली सर क्या कहते हैं, हमको बहुत ज्यादा थोड़ा सा भी काम करने पर जैसे सर बहुत एग्जर्शन होता है, लगता है ना कि नींद आ रही है। थोड़ा सा काम करते हैं और खाते हैं, खाना खाने के बाद सर एनर्जी नहीं फील होती, खाना खाने के बाद सुस्ती होती है, और थोड़ा काम करने के बाद जैसे थक जाते हैं सर। अभी रिसेंट हमको टाइफाइड हुआ था सर, हमने 10-15 दिन एंटीबायोटिक ली थी और सब मेडिसिन वगैरह ली थी,
उसके बाद सर इतनी ज्यादा वीकनेस थी और भूख लग रही थी, ऐसा नहीं है खा भी रहे थे, थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ खाते थे लेकिन उठ भी नहीं पा रहे थे, और बोलते थे सर तो भी सांस फूलती थी। हीमोग्लोबिन कम था लेकिन इतना कम नहीं था सर, 10 पॉइंट था, HB मेरा 10 था, और सर बार बार जैसा लग रहा नींद आ रही है, नींद का बहुत गलबा था सर। 72 था। अभी आप दवा दवा के तौर पर अभी क्या क्या ले रहे हैं सर? हम तो कुछ नहीं, थायराइड की दवा लेते हैं, और डॉक्टर साहब ने अभी हमें दिया था वो दबीदुल पर खाने के लिए, और मुझे वो जवारिश का मुनी, पेट हल्का रहता है उसको खाने से, प्रॉब्लम नहीं होती है खाने से, पेट सही रहता है, और दबीदुल बर दिया था सर, और तो कुछ नहीं दिया। बड़ी महंगी होगी। पेशाब कैसे, रात में पेशाब को उठती है क्या? नहीं बहुत कम, रेयर। नींद बहुत ज्यादा, नींद सर मेन है कि एनर्जी लेवल बहुत कम है, हो गया है इधर सरा की कमी और बलगम की ज्यादा थी, और पीरियड रेगुलर है? नहीं सर, अब 43 इयर्स मेरी एज हो गई है, थोड़ा इरेगुलर है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। थोड़ा हार्मोनल डिजीज भी आ रहा है आपके अंदर, मेनोपॉजल मॉडर्न के हिसाब से बहुत सारे हम लोग उसको आपको बता सकते हैं, लेकिन वो सब चीज सुन के आपको कोई फायदा नहीं, आपको इलाज चाहिए। हम बोलेंगे भाई हार्मोनल है, हार्मोनल है बोल के आपको बिठा सकते हैं, लेकिन आपको उससे कोई फायदा नहीं। डॉक्टर साहब को लिखने को बोलो जी। हाँ सर, हब्बे कबीत नौशादरी 2BD, हब्बे कबीत नौशादरी 2BD जी, सफो फलासफा 1 टीस्पून बीडी, सफो फलासफा 1 टीस्पून बीडी, बीडी बीडी अब्बे अजराकी 1BD, अब्बे अजराकी मोमिया कैप्सूल बस काफी है। मोमिया 1 बीडी, 1 ओडी। और आपने जो दवा दिया थोड़ा इस्लाम करना चाह रहा, उसमें आप कुछ लोग ने और किया होगा, आपने देबीदिलवर भी दिया, जवारिश कमुनी भी दिया। ओके, एक ठंडा है गर्म है, लेकिन आपको जवारिश कमुनी काम किया देबीदिलवर से ज्यादा जी, उसको बंद कर दिया था देबीदिलवर। हाँ, वो आपको जवारिश जंजबील भी दे सकता था, जवारिश बसबसा भी दे सकता है, या दूसरा दे सकते हैं देबीदिलवर की जगह, क्योंकि हम लोग को भी, मेरा भी एक आदत हो जाता सुनते ही लिख देते, लेकिन कमोनी उनको काम इसलिए क्योंकि इनके अंदर जो बरूदत की गलबा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वो बरूदतपना अगर कम हो गया तो बहुत सारे इश्यूज कम हो जाएंगे, उसके मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी शिन्ने शबाब से मेन प्रॉब्लम शिन्ने कहूलत पूरी ऋतु भी रहते, तो एक्सरसाइज कराने के लिए थोड़ा सा मेंटली फिजिकली हरकत, चलना फिरना, थोड़ा घूमना फिरना, घर छोड़ के बाहर निकलना, ये सब इलाज की एक पार्ट है। जरूरी नहीं कि हमेशा घर पे पड़े रहो, एक आध वीकेंड में घर से बाहर जाया करो बच्चे लोग के साथ, थोड़ा सा जो सुबह सुबह घुमाते हैं तो तबीयत सही रहती है थोड़ी सी, इसीलिए बोला थोड़ा उसको तफरीह मुफरियात की जरूरत है, क्योंकि एज में थोड़ा मतलब यह भी एक थोड़ा अपने न्यू एज में जाने जा रहा ना, अंधेरा हो रहा है, मगरीब के टाइम में है अभी, वो थोड़ा संभाल, मगरीब में बहुत सारे लोग डरता है। अच्छा, केरल लेके चले जाइए, सर को नहीं चाहिए, ये भी तबीब है सर, सर ये भी डॉक्टर है, माशाल्लाह। अच्छा ठीक है सर, केरल लेके आएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सर। हेलो, तो अभी हम लोगों के क्वेश्चन आंसर सेशन का सिलसिला यहीं खत्म होता है, बहुत से सर एक क्वेश्चन पूछना था, कौन है और एक लास्ट क्वेश्चन बोली जी सर, मेरे अब्बू कार्डियक इश्यू हो रहा है उनको, तो एंजियोप्लास्ट एंजियोग्राफी कराया था तो ब्लॉकेज बता रहा है, मगर हेलो सवाल मुकम्मल नहीं, सवाल सही नहीं जी, ब्लॉकेज बताया, एंजियोप्लास्टी करवाया तो ओके, अगर एंजियोप्लास्टी नहीं किया तो? हाँ वो तो क्या बताएंगे, नहीं किया कुछ भी नहीं सर, मगर वो थोड़ा घबरा गए थे घर वाले सब, तो डॉक्टर ने भी तो इलाज करो पहले। हाँ सर भाई, ब्लॉकेज कार्डियक, मेरे अब्बू को कार्डियक डिजीज है, व्हाट इज कार्डियक डिजीज,
व्हाट इज ब्लॉकेज, उसका पहले तशरीह करो भाई, अगर सब जो आपको आपको कैसे मालूम पड़ा कार्डियोलॉजिस्ट को ब्लॉकेज, ये सब चेक करना, क्यों चेक किया मरीज, चेक करना मरीज के अगर कोई इश्यूज तो रहेंगे ना, मरीज की कैफियत, कफ कान है क्या, डर रहे क्या, चेस्ट पेन हो क्या, डिविएटिंग पेन है क्या, चेस्ट पेन हुआ था सर, तो चेस्ट पेन की बहुत सारे वजूहत हो सकते, जरूरी नहीं कि कार्डिया को, दूसरे भी हो सकते, तो अभी अभी चेस्ट पेन नहीं है ना, नहीं अभी नहीं है, तो ब्लॉकेज अभी भी है ना, हाँ सर, तो पेन क्यों नहीं अभी, हाँ वो मेडिसिन चालू किया है तो मतलब नहीं, इसका सवाल का जवाब दो डॉक्टर साहब जी सर, ब्लॉकेज अभी भी है ना, हाँ ब्लॉकेज अभी भी है, तो पेन अभी भी होना चाहिए, या सर सही बात है, तो इलाज करो उसको, तकलीफ रहा तो ब्लॉकेज के मसला उसको खाली ये करो, क्योंकि खाली इतना देखो पेन ऑन एक्सर्शन है क्या नहीं, ओके हाँ, पेन ऑन एक्सर्शन, डिस्पिनिया ऑन एक्सर्शन, एंजाइना ऑन एक्सर्शन, चेस्ट में हेवीनेस ऑन एक्सर्शन, फिजिकली काम नहीं कर पा रहे, अगर कोई डॉक्टर बता रहे तीन ब्लॉकेज है, तो अगर मरीज बोल रहे डॉक्टर साहब आपकी मशीन को ब्लॉकेज है, मुझे कोई ब्लॉकेज नहीं, मैं सुबह खेलता हूँ, कूदता हूँ, घर का सब काम करता हूँ, बच्चे को स्कूल छोड़ता हूँ, तीन माला चढ़ता हूँ, मेरे हार्ट में कोई ब्लॉकेज है कि मेरा, मेरे एहसास सबसे फर्स्ट, बाद में मशीन का एहसास, मैं मेरे एहसास के ऊपर भरोसा करती है, बोलने की हिम्मत मरीज को होना चाहिए, अगर मरीज को नहीं है तो मरीज को समझाओ, हाँ सर, ओके डॉक्टर, हाँ सर, आपको, आपको आपको उसको रखना है तो थोड़ा जवारी शाही स्टार्ट करो, एक मोमिया ही स्टार्ट करो, ओके, क्योंकि अभी सर वो अभी हम छोटे मोटे, अभी अभी हम छोटे मोटे हकीम है, सब लोग हमारी फलसफा से मुतमईन नहीं होते, नहीं होंगे सही, जब आप एकदम बुजुर्ग और एकदम सफेद सफेद दाढ़ी वाले जैसे आंख दिख रहे, कान कम सुन रहे, जब बड़े हकीम हो जाएंगे तो आपकी हर बात को मानेंगे, मानेंगे, बोलेंगे मतलब हमारे हजरत ने बोला आपको कुछ नहीं, अगर सुनते बोला मुझे कुछ नहीं, हजरत ने बोला मुझे कुछ नहीं, तो ये वक्त हमको टाइम लगेंगे भाई, ये सब इसमें सब पहुंच गए, अभी तुम ऐसे बोलेंगे आपको कुछ नहीं, अजमल सर नहीं बोला, बोला अजमल सर भी पागल है, तुम भी पागल है, हाँ सर वो मॉडर्न ट्रीटमेंट में तो फिर वो एंजियोप्लास्टी बोलो, बाईपास करवाओ, ये सब करना है, मैं ये नहीं बोल रहा बाईपास नहीं करना है, एंजियोप्लास्टी करना है, सब करना है जब जरूरत पड़े, अगर तुम्हारी अब्बू बड़ा खिलाड़ी है, फुटबॉल प्लेयर है, समझो कोई जैसे एक साल में अगर खेलने से करोड़ों रुपया मिलता है मेसी के जैसे, खेलने नहीं हो रहा, यू जस्ट गो एंड डू द सर्जरी, खेल नहीं सकती, अगर आपके अब्बू को मस्जिद जाने के लिए, पांच वक्त नमाज को जाने के लिए, खाने पीने के लिए, अभी जो कल वो हार्ट काफी है, खेलने के लिए शायद काफी नहीं होगा, या झाड़ पे चढ़ने के लिए काफी नहीं होगा, तो झाड़ पे मत चढ़ो बोले, उसका इलाज वही है, झाड़ पे चढ़ना बंद करा डालो, उसका इलाज वही है जी सर, ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।